आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर्क और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को किया याद, बोले यह हमारे सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय। ऑक्सीजन संयंत्रों की होगी मॉक ड्रिल, तीसरी लहर के पहले ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली को दुरुस्त करने में जुटी सरकार। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया लश्कर ए तैयबा का दो आतंकी। बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने दिया सांस्कृतिक विरासत का दर्जा, मोदी और ममता बोले यह गर्व का पल। सीडीएस ने सीओएससी चेयरमैन बने जनरल नरवड़े, आर्मी चीफ को मिली 3 सेनाओं की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारी। कुन्नूर नीलगिरी हेलीकॉप्टर हादसा, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी हार गए जिंदगी की जंग, शुक्रवार को भोपाल में होगा अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में नहीं लागू होगा ओबीसी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। राजस्थान के करीब 4 लाख शिक्षकों को बड़ी सौगात, गहलोत सरकार ला रही है टीचर ट्रांसफर पॉलिसी। हिमाचल में ऐतिहासिक गांव मलाड़ा में शराब मांस पर लगा प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार को लिखा पत्र, कहा एनडीएमसी में 328 करोड़ का फंड जारी करें। पंजाब में पुलिस की क्रूर कार्रवाई, सीएम चन्नी का विरोध कर रहे बेरोजगार शिक्षकों के मुंह में ठूसा कपड़ा। झारखंड में बढ़ने लगा सर्दी का सितम, कई जिलों में पारा 10 डिग्री के नीचे। दिल्ली मेट्रो को गाजियाबाद रेल स्टेशन से जोड़ने के लिए डीएमआरसी तैयार करेगा अब डीपीआर। हाईकोर्ट के वकील पर एफआईआर का आदेश, फेसबुक ट्विटर पर किए थे आपत्तिजनक पोस्ट। पंजाब चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंची इलेक्शन कमीशन की टीम, ईआईबी मौजूद। को लेकर सवालों पर भड़के केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र, टेनी मीडिया को कहा चोर। प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों ने लगाई टीके की पहली डोज, वैक्सीनेशन में यूपी टॉप पर। सरकार ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात, कौशल विकास प्रशिक्षण में 30% आरक्षण का फैसला। रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक से करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार, लखनऊ पुलिस सुल्तानपुर में दबोचा। योगी ने लॉन्च किया कांसा पेटी, बोले जनता दे सुझाव, यूपी को नंबर वन बनाना हमारा संकल्प।
आगरा में सपा में शामिल हुए समाज सेवी मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा के कार्यकर्ताओं ने ली सपा की सदस्यता। अलीगढ़ में कोचिंग जा रहे छात्र की हुई मौत, कार के नीचे दबकर हुई मौत। अलीगढ़ में अखिलेश बाबा से योगी के मंत्री नंदगोपाल नंदी का विवादित बयान आया सामने। मुलायम सिंह ने अखिलेश की टीम को सुल्तान बना दिया। अलीगढ़ में AIMIM के जिलाध्यक्ष का विवादित वीडियो आया सामने। मुस्लिम समुदाय से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील। फतेहपुर में अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, बाइक चालक की हुई मौके पर मौत। रायबरेली में बैजनाथ कुरील की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, जरूरतमंदों के बीच बांटे गए कंबल। रायबरेली में खाना बनाते समय घर में लगी आग, तीन लोग गंभीर रूप से आग में झुलसे। रायबरेली में जेल का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी, महिला अस्पताल का हुआ उद्घाटन। सिद्धार्थनगर में सपा ने जनसभा का किया आयोजन, भाजपा पर जमकर बरसे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। सीतापुर में तीन तलाक का मामला आया सामने, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। सीतापुर में दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प, युवक की हुई मौके पर मौत। औरैया में करंट लगने से युवक की मौत, युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरैया में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। बुलंदशहर में सीओ डीवाई वंदन शर्मा की बड़ी कार्रवाई, नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। चंदौली में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर, नहर में पलटी तेज रफ्तार कार। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री अन्न योजना हुई ध्वस्त, भाजपा के पदाधिकारियों ने किया चक्का जाम। अलीगढ़ में असले के बल पर महिला से किया दुष्कर्म, जमीनी विवाद में हुई मारपीट। अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता नाहर सिंह की हत्या, साजिश के तहत हुई नाहर की हत्या। औरैया में अपराधियों पर कसा पुलिस का शिकंजा, जिले में चलाया गया धर पकड़ अभियान। फरुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, मरीजों के जीवन से खुलेआम हो रहा खिलवाड़। मैनपुरी में तीन दिन से लापता युवक का नहीं मिला सुराग, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल।
मैनपुरी में महिला जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची सपा अध्यक्ष लीलावती। फतेहपुर में पवन कुमार श्रीमाली ने मांग की अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लगाई गुहार। रायबरेली में तेज रफ्तार कार और वैन में भीषण टक्कर, सड़क हादसे में ड्राइवर समेत स्कूली बच्चे घायल। अलीगढ़ में प्यार में युवक की गई जान, प्रेमिका के भाई और पिता ने की हत्या। चमोली में पिछड़ा जाति वर्ग आयोग की अध्यक्ष ने की बैठक, विकास भवन सभागार में हुई बैठक। चमोली में केंद्रीय विद्यालय के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बांधा समा। चंपावत में प्रदेश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, ओमिक्रॉन से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। हरिद्वार में महिला ने लगाए शिक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप, भ्रष्टाचारियों की मदद से करने का लगाया आरोप। ज्वालापुर में राहुल गांधी फूकेंगे चुनावी बिगुल, समर्थकों के साथ रवाना हुए भूप से। ऋषिकेश में उत्तर भारत के सबसे बड़े वेडिंग फ्लोर का हुआ उद्घाटन, मेयर अनीता मंगई ने किया उद्घाटन। रुड़की पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री धाम ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि का, हमारी सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए कर रही है।
5 से 11 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, फाइजर को मिली मंजूरी। कोविड-19 से होने वाली मौतें 8 लाख के पार, राष्ट्रपति बाइडेन ने जताया दुख। सेंस एक्टिविटी में तेजी के साथ शुरू हुआ कारोबार, एक दर्जन से ज्यादा शेयर उछले। आरबीआई ने पीएनबी और आईसीआईसी बैंक पर लगाया जुर्माना, नियामक अनुपालन में कमियों के लिए लगाया है ये जुर्माना। महंगाई भत्ते में 12% की बढ़ोतरी का ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों को 5 महीने का मोटा एरियर भी मिलेगा। आरबीआई को ब्याज दर में करनी होगी 100 आधार अंक की बढ़ोतरी, लेकिन वित्त वर्ष 2023 में तेजी से बढ़ेगी इंडियन इकोनॉमी। ओला की डिलीवरी हुई शुरू। कैट का बड़ा आरोप, अमेजॉन ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को दिया धोखा। कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी, खर्च होंगे 76,000 करोड़ रुपए। कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडिगो के साथ मिलकर पेश किए 2 क्रेडिट कार्ड, वेलकम बेनिफिट के रूप में पाए फ्री एयर टिकट। इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी, रुपए कार्ड यूपीआई के प्रमोट करेगी सरकार, 1300 करोड़ खर्च होंगे। ग्लोबल पेमेंट कंपनीज की बढ़ सकती है मुश्किलें। यूबीएस ने भारत में अपना ग्लोबल बैंकिंग ऑफिस बंद करने की बनाई योजना। भारतीय क्रिकेट में खराब दौर की आहट, विराट कोहली के बयान से बीसीसीआई है नाराज। पैट कमिंस हुए डे नाइट टेस्ट से हुए बाहर, स्टीव स्मिथ को मिली ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी। कप्तानी से हटाए जाने पर विराट कोहली और सौरभ गांगुली आमने सामने छिड़ी जुबानी जंग। दौरे पर रवाना होने से पहले विराट कोहली बोले, दक्षिण अफ्रीका में कुछ विशेष करने का मौका मिला। पाकिस्तान दर्शकों को देगा नया लालच, टिकट सस्ती करने के बावजूद खाली रहा था स्टेडियम। जोश बटलर ने एसएच सीरीज में पकड़ा हैरतअंगेज कैच, खराब गेंद पर सुपरमैन बनकर दिलाई विकेट। साउथ अफ्रीका के लिए टीम इंडिया ने भरी उड़ान, बीसीसीआई के फोटोज से विराट कोहली गायब। एबी डिविलियर्स और ग्रीम स्मिथ नस्लवाद को लेकर पूर्वग्रह से ग्रसित, आचरण के दोषी।
विराट कोहली के बयान के बाद बोले पूर्व क्रिकेटर के कमेंटर बनने आकाश चोपड़ा और क्रिकेट विजेता नहीं होगा। बीसीसीआई का कोहली पर विराट पलटवार, बोर्ड ने सितंबर में ही दे दी थी चेतावनी, कहा था व्हाइट बॉल के टीम में दो कप्तान नहीं होंगे। आलिया भट्ट के लिए मुसीबत, होम क्वारंटाइन नियम का उल्लंघन कर पहुंची दिल्ली, एक्ट्रेस को ढूंढ रही है पीएमसी। महीप कपूर के बाद उनकी बेटी शनाया कपूर भी हुई कोरोना पॉजिटिव, 4 दिन पहले नेगेटिव आई थी रिपोर्ट। कियारा आडवाणी ने खरीदी एक नई ऑडी कार, कार की कीमत है लगभग 1.56 करोड़ रुपए। ब्रह्मशास्त्र का पहला जबरदस्त मोशन पोस्टर रिलीज, 2022 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। लोखंडे ने अपनी शादी में जमकर की मस्ती, अंगूठी ढूंढने की रस वाला वीडियो हुआ वायरल। जेम्स कैमरून के अवतार 2 के सभी सीन अंडर वाटर होंगे शूट, डायरेक्टर ने करीब 1 दशक के प्रोडक्शन के बाद अवतार का सीक्वल आने का किया ऐलान। हैरी पॉटर रिटर्न टू हॉगवर्ट्स के सामने आया डेनियल एमा का फर्स्ट लुक, हैरी पॉटर फिल्मों की 20वीं सालगिरह के जश्न में बनाया गया है ये शो। अनुपमा की शूटिंग के दौरान पर आ गया सांप, वनराज जान पर खेलकर बचाई लोगों की जान। शस के लॉन्च इवेंट में सबके सामने भावुक हुए रणबीर कपूर, बोले आज मैं पापा को बहुत मिस कर रहा हूं। नसरुद्दीन शाह, लारा दत्ता और सोहा अली खान के साथ G5 ने किया नया शो कौन बनेगा शिखरवती का ऐलान। आज के प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।